महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर बेटियों के संरक्षण के लिए सभी से आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कार्यक्रम शुरू किया है तब से देश में बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार बेटियों के प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रम संचालित कर रही है। विशिष्ट अतिथि SDM जयवर्धन शर्मा व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने कहा कि मेधावी छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियों की जानकारी भी दी जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र बिष्ट ने बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आज SNP डिग्री कॉलेज में जो कार्यक्रम किया गया है ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ टॉपिक के लिए है और इसका जो संदेश है वो बालिकाओं की शिक्षा और उनकी रिस्पेक्ट के लिए है कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको एम्पावरमेंट किया जाए, उनका वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए। तो यही आशा है मेरी कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा और लोग अपनी बालिकाओं को आगे बढ़ाएंगे और उनको मौका देंगे कि वो आगे बढ़े। बाल विकास महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कैरियर काउंसलिंग दोनों एक कैंप का आयोजन बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है। महाविद्यालय में कई छात्र छात्राओं को आज अपने कैरियर के प्रति उसकी काउंसलिंग के लिए यहाँ अपने उपजिलाधिकारी महोदय अपने ARGO और कई अधिकारीगणों ने उनके जानकारी दी। निश्चित रूप से इस गरुड़ क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ के युवाओं को कहीं ना कहीं कैरियर के प्रति उनको अपनी उसके जागृति आएगी और निश्चित रूप से यहाँ का युवा आगे। ये जो कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमारे जिले का एक इनोवेशन प्रोग्राम है। जिलाधिकारी महोदय बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, जो इसमें हमने बालिकाओं की काउंसलिंग और उनको किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में और उनके नेचर और उनकी तैयारी के बारे में मुख्यतः अगर उसकी योजना के उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका व्यापक उद्देश्य बाल लिंगानुपात कम होते बाल लिंगानुपात को रोकना और महिलाओं के प्रति परंपरागत जो सोच है जिसमें महिलाओं के प्रति द्वयम दर्जे का व्यवहार है, चाहे वो परिवार में है, चाहे वो समाज में है, चाहे वो किसी भी जीवन उसको रोकना इस योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत यहाँ पे बच्चों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था कि बच्चों को कैसे कंपटीशन, खासकर जो बच्चियां हैं महाविद्यालय में, कि उनको किस तरीके से कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो इसमें हमारे जनपद के जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा और अन्य वक्ताओं द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ उनको कंपटीशन की तैयारी के और विभिन्न एवेन्यूज़ की कौन कौन से आगे कंपटीशन हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं कर सकते हैं और किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम हम लोग यह जैसा मेरी अभी यहाँ के प्राचार्य से भी वार्ता हो रही थी कि कुछ बच्चे ऐसे हों कि जो वास्तव में सिंसियर तरीके से कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका एक ग्रुप बना के उनको बीच बीच में मोटिवेट करते रहें और साथ साथ उनको हम क्लोजली मॉनिटर करें कि उनकी तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है, जिसके लिए हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके की योजना है जिसमें हम स्कूल के और कॉलेज के जो बच्चे हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको हम गाइड करने का प्रयास करेंगे। उसमें साथ में जिले के कई अधिकारी हैं जो इच्छुक भी हैं उस प्रोग्राम में पार्ट करने के लिए। आज का कार्यक्रम विशेष तौर से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग पर आधारित है और आज जो हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट से जो यहाँ पर PRTO साहब और गरुड़ SDM साहब और हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जी ने जो हमारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टिप्स दिए वो वास्तव में अनुकरणीय हैं। अगर वो उनको फॉलो करते हैं निसंदेह वो अपने जीवन का मिशन पूरा करेंगे और ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहते हैं तो ये महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और मैं अभी 30 नवंबर को महाविद्यालय की समस्याओं पर एक दिन की गोष्ठी करने जा रहा हूँ जिसमें मैं पुनः
इस क्षेत्र के शिक्षाविदी, विद्वान लोग और शासन के भी प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे, सभी को मैं आमंत्रित करूंगा और उसमें हमारे मीडिया के सभी सम्मानित हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। CCN न्यूज के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट।